हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आर लर्न करो क्लासेस। अच्छा, दिख रहा होगा आपको ये क्या है, 3 marks for free चैप्टर कर रहे थे ना फेडरलिज्म, उसके लिए टुडे वी आर हेयर। हम आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जिससे आपको ना मतलब सीरियसली, दिस इज अ फ्री मार्क्स, 3 marks जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इजी बीजी टॉपिक। चलिए, व्हाट इसमें से क्वेश्चन कैसा था आज हम करने वाले, टाइप्स ऑफ फेडरेशन। हमने फेडरलिज्म करा, अब वो फेडरेशंस भी तो है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरेशन। कौन सी है क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरेशन, सिंपल, और द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर। There are two topics, coming together federation and holding together federation. There are two types, one, two. Now what is coming together federation? Coming together federation, क्या मैं हमेशा बोलती हूँ word को ना break किया करो, क्या होता है, what is the meaning of break? अगर हम देखें coming together federation, साथ में आना, coming आना और टुगेदर साथ में मिल जाना, इससे क्या है, व्हाट दे आर सेइंग, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, यूनिट्स आर देयर एंड दे आर कमिंग टुगेदर एक यूनिट बनाने के लिए। क्लियर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट, कि वो साथ में आते हैं और बिगर यूनिट बनाते हैं और वो यूनिट रूल करती है उनको, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर, और सबके पास ना इक्वल पावर्स हैं। एग्जांपल, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, इसे लर्न कैसे करना है, आपको एग्जांपल्स को लर्न कैसे करना है, सी यूएसए तो आपको लर्न रखना ही है, यूएसए तो आपको ये तो लर्न रखना ही है, यूएसए, यूएसए एग्जाम्पल आपको ये तो लिखना ही है कि एग्जाम्पल है एस स्विट्जरलैंड, ठीक है, और इसके लिए ए के लिए आपको क्या लिखना है, ऑस्ट्रेलिया। दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक, कितनी सिंपल ट्रिक है ना, यूएसए मींस स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई एम अगेन टेलिंग, यूएसए तो आपको लर्न रखना ही है, यूएसए से एग्जांपल आप यूएसए लिखेंगे, देन इस एस स्विट्जरलैंड इज देयर, एंड फॉर ए वी विल कम ऑन टू ऑस्ट्रेलिया। भूलेगा आपको इसे, अरे चांस ही नहीं है भूलने का, दिस इज सो इजी ट्रिक लर्न करने के लिए। चलिए, कम ऑन टू दी, अब तो समझ में आ गया, कमिंग टुगेदर बहुत सारी यूनिट साथ में आ रही हैं और एक बड़ी यूनिट बना रही हैं, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इफ वी टेक ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है होल्ड, पकड़ कर रखना, एक बड़ी यूनिट जो है ना उसने बहुत सारी यूनिट्स को पकड़ कर रखा हुआ है। क्लियर, हेड कौन है, वो बड़े यूनिट ही हेड है। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, इंडिया। हमें हमारी जो एक लीडिंग रोल है गवर्नमेंट में किसका है, नेशनल गवर्नमेंट का है, और नेशनल गवर्नमेंट अल्टीमेटली उसने पकड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को। क्लियर, अ लार्ज कंट्री, और ये होल्डिंग टुगेदर ना एक बड़ी कंट्री में ही चलता है। लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, इसका हेड कौन है, सुपर मेसी किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी सुप्रीम पावर, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पकड़ के रखा हुआ है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या पढ़ा था हमने फेडरल स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हाईएस्ट पार्क किसके पास, सबसे ज्यादा पार्क किसके पास है, नेशनल के पास, उससे कम स्टेट और उससे कम लोकल, दे आर हैविंग अनइक्वल, कमिंग टुगेदर में इक्वल पावर्स आर देयर, होल्डिंग टुगेदर में अनइक्वल पावर्स आर देयर। एग्जांपल,
India, Spain and Belgium. India is a large country and Belgium और Spain भी इसका example है. इसकी trick बताएं, इसकी trick क्या है, आपको कैसे learn करना है. S B I. S मतलब Spain. Belgium denotes to, B denotes to Belgium. अरे यार ये अपना इंडिया आ गया यहाँ पर. स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, आपको वर्ड क्या करना है, इसका एग्जाम्पल किसके थ्रू है, एस बी आई के थ्रू. इजी टू ट्रिक्स हमने करी हैं. कमिंग टुगेदर में हमने यूएसए लर्न रखना है और होल्डिंग टुगेदर में हमने एस बी आई लर्न रखना है. करेक्ट. सो आर यू ऑल अवेयर नाउ दैट व्हाट आर कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. दीज वर टू types of federation we are having in our federal structure. 3 marks guaranteed in your boards if it come. Bahut easy hai, go through it, go through the previous video of federalism. You will get to know what all things are there in federalism, features, coming together, types of federation. Thank you for today's session. Stay tuned, stay connected, keep studying. Bye bye.